बात को श्रवण करके अवश्य ही अपने जीवन में आप लोग भी धारण जरूर करिएगा। पहले नंबर में जो भोजन आप कर रहे हो, भोजन करते समय कोई आपको देख रहा है, भोजन करते समय अगर कोई आपको देख रहा हो तो आप उसे दिए बिन भोजन नहीं कर सकते। अगर कोई देख रहा हो तो उसे दिए बिन आप भोजन नहीं कर सकते। आपको खाते समय कोई देखे तो उसको अवश्य दीजिएगा, फिर उसके बाद ही आप भोजन करना। दूसरे नंबर में आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा, दूसरे नंबर में कहते हैं जब भी आप भोजन करें तो अपने पत्नी के साथ में एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। पति पत्नी एक थाली में भोजन करते हैं, नियम क्या है, पति ने जिस थाली में भोजन किया उस थाली में पति के खाने के बाद पत्नी खा सकती हैं, लेकिन एक साथ एक थाली में बैठकर के भोजन करने से मदिरा पान किया हुआ जैसा समान होता है, मदिरा पान समान हो जाता है। इसलिए पति पत्नी एक थाली में एक साथ कभी भी भूल से भी भोजन को मत करिएगा। तीसरे नंबर में कहते हैं जिस भोजन को रजस्वला स्त्री स्पर्श करती है, छू देती है, ऐसे भोजन को कभी भूल से भी करना नहीं चाहिए। और उसके बाद में कहा गया कभी भी ऐसे पत्ते पर भोजन को नहीं करना चाहिए। बट के पत्ते पर, पीपल के पत्ते पर, आग के पत्ते पर, तरबूज के पत्ते पर कभी भी भोजन को रख कर के भोजन नहीं करना चाहिए। ये नियम बिल्कुल गलत है। अगर आप भी इस प्रकार भोजन करते हैं तो सुधर जाइए। हाँ, भोजन करने के लिए केले के पत्ते पर रख कर के भोजन अवश्य कर सकते हैं। और जब भी आप भोजन करने बैठे, कलह का शब्द सुनाई दे रहा हो, चक्की का आवाज़ आ रहा हो, ओखल का आवाज़ आ रहा हो, मुसल का शब्द सुनाई दे, तब तक भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब तक साउंड आ रहा हो, लड़ाई का, झगड़ा का साउंड आए, तो बिल्कुल भोजन ना करें। रजस्वला स्त्री जो भोजन बनाती है या फिर उसका छुआ हुआ भोजन कभी भी खाने के योग्य नहीं होता। इसलिए भोजन करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। भोजन का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है, इसलिए भोजन करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा।